एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित रजा गांव पहुंचा। 3000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान लाखन सिंह के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1100 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में लगभग 163 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 180 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल व सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में 6 सीसीटाइज रोड, 3 खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 134 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजा, स्वास्थ्य केंद्र, आंगन बड़ी केंद्र, पंचायत घर, जूनियर हाई स्कूल, पानी निकासी के लिए नाला व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पुत्र वैश्व कुमार, ग्राम रजा, ब्लॉक असमोली का रहने वाला हूँ और मेरे गांव में जितनी धनराशि आती है उसका सही रूप से विकास करवाया है, जैसे कि सीसी टाइल्स, नल रिवर और नल रिवॉर्ड, जैसे 5 नल रिवॉर्ड करवाए, सीसी टाइल्स करवाई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव में पहले बात तो धनराशि आती नहीं जो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूं कि मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि भेजने का कष्ट करें। और मेरे गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को पढ़ने की होती है, यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कन्या लड़कियाँ हमारे गाँव की 7-8 किलोमीटर जाती हैं, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है और कभी कोहरा भी आता है, तो सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में कोई आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है और ग्राम पंचायत भवन भी नहीं है हमारे गांव में, और शादी के लिए बारात भी गर्द भी नहीं है। और मैं अपील करता हूँ कि हमारे गाँव में कुछ कच्चे मकान हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, उनके सर पर छत भी नहीं है, तो ये भी अपील करता हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनका व्यवस्था करवाई जाए, कॉलोनी वगैरह दिलवाई जाए। और मेरा नाम हिमांशु कुमार, ग्राम रजा, पोस्ट असमोली का रहने वाला हूँ। ये कच्चे घर हमारे गांव में आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी बालक हैं इन पर, बेचारे गरीब आदमी हैं और इनका नाम हमने कई बार सूची में भी दे दिया है लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि इन बेचारे गरीबों को जल्दी से जल्दी छत नसीब करवाएं। हमारे गांव में एक नहीं लगभग 70-80 घर ऐसे हैं जो बेचारे अपना पेट पालने से भी परेशान हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से बस यही कहूंगा कि इन्हें जल्दी से जल्दी छत का इनकी व्यवस्था करवा दी जाए जो ये अपने घर में शांति से रह सके। मैं रवि त्यागी, ग्राम पंचायत रजा से, अपने गांव की समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं जिनके लिए धन की कमी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे गांव को इतनी धनराशि दी जाए जो हमारे गाँव की समस्या कुछ दूर हो जाए। हमारे गाँव में पीने के पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पीने का पानी बहुत दूषित हो गया है और हमारे गाँव में शिक्षा की भी बहुत कमी है, यहाँ पर कोई जूनियर स्कूल तक भी नहीं है और गांव में रास्ते भी ठीक से नहीं बने हैं और यहां के लोगों को आवास की भी बहुत कमी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे गांव को इतनी धनराशि दें कि हमारा गांव भी चमन की तरह खिल उठे।